बच्चों ने कहा ना अपने बाबा की बेनाश नहीं होगा, झूठो झूठो सब कहते हैं माता इन लोग, झूठो ज्ञान में कहती है ऐसे, कब होगा बेनाश, क्या विनाश कब होगा? अब एटम बम बने रखे हैं, बारूद तैयार हुआ पड़ा है, तो कभी तो छूटेगा। वो सजावट के लिए थोड़े रखा है, जो चीज़ आई है उसका तो उपयोग होगा, लेकिन कब तक रुका हुआ है? जब तक भगवान का जो नई दुनिया का संगठन है, जिसके लिए बोला है ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर नहीं सकेगा, ऐसा संगठन जहाँ तैयार हुआ और बिना ताबड़तोड़ शुरू हो जाएगा। अच्छा, टाइम कम है, आप अपनी बातों को क्लियर कर लीजिए। आज 9 तारीख हुई, खरी हाँ बाबा जी, से बोला गया कि शिवलिंग की मेरा तो एक लिंग ही पूजा किया जाता है। मेरा तो एक लिंग ही पूजा किया जाता है, मेरा सिर्फ एक लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं की सारी इंद्रियां पूजी जाती हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य में कौन सा विकार प्रधान होता है? काम विकार प्रधान होता है। तो कौन सी इंद्रिया ऐसी है जो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाती है मनुष्य की? कोई इंद्रिया ऐसी है जिसे मनुष्य कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मुरली में बोला है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन किस आधार पर बोला है? यही ये काम विकार ऐसा है जो मनुष्य के कंट्रोल से पुरुष के, खास करके स्त्रियों की नहीं, स्त्रियों को इसका सबके लिए नहीं कहा, सब स्त्रियां सुपन खाएं पूतना है, लेकिन पुरुषों को सबको कहा सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। माने वो बात जब ऐसी आती है कंट्रोल करने की, तो पुरुष जो है दुर्योधन दुशासन का रूप धारण कर लेता है, दुष्ट युद्ध करता है और दुष्ट शासन करता है। लेकिन शिव का तो लिंग होता है। लेकिन हाँ, तो बताया अभी पूरी बात नहीं हुई, जो और जो पुरुष हैं, जितने भी पुरुष मात्र हैं 500-700 करोड़, वो सब कामेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक ही आत्मा ऐसी है जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करती है, उस रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करती है, और खास करके किस इंद्रियों को कंट्रोल करती है? काम इंद्रियों को कंट्रोल करती है। उसका प्रूफ क्या? कोई कहेंगे हम नहीं मानते काम इंद्रियों कंट्रोल करती है, तो उसका कंट्रोल का करने का प्रूफ ये है कि ब्रह्मा बाबा के 400-300-400 कन्याएं माताएं साथ साथ थी, कोई बच्चे पैदा हुए, कोई प्रूफ हुआ? अच्छा, इसके बाद एडवांस पार्टी में भी उनके पास तो 300-400 कन्याएं, यहाँ तो 600 कन्याएं हैं, कोई बच्चे पैदा हुए? आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं, वो तरीके हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, कोई मनुष्य का अप्लाई नहीं कर पाता है। इतने हर देश में तरीके अप्लाई किए जा रहे हैं, जनसंख्या कंट्रोल हो रही है? नहीं हो रही है ना। फिर एक दो और चार होती हैं घर में तो टांगियां हो जाता है शरीर पुरुषों का, और जहां 600-600 होंगी तो क्या हाल हो जाएगा अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा? तो भगवान आता है, क्या करना सिखाता है? इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है ना। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने में कोई तो अव्वल नंबर गया होगा, जो अव्वल नंबर जाएगा वही तो विश्व का मालिक बनेगा, कोई दूसरा बन जाएगा? है जो अव्वल नंबर जाएगा वही नंबर वन होगा। अब फालतू चेचे में मचाने से फायदा क्या है? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है शंकर जी विष पीता है, शंकर को फॉलो नहीं करना है, वो ही काम खुद करेंगे। भगवान साधारण तन में आकर के साधारण कर्म करेगा तो मिर्च लगती है, लेकिन जिस काम के लिए बाबा रोक लगाए बच्चों, तो वो काम का जो प्रभाव है वो असर क्या है? मनुष्यों का जो असर है वो प्रत्यक्ष हो जाता है संसार में, लेकिन उसका असर क्या होता है? उसका असर यूनिटी बन रही है कि यूनिटी टूट रही है? अरे घर घर में गीता पाठशालाएं जो खुलती हैं एडवांस में बेसिक में, वहां यूनिटी बन रही है कि टूट रही है? बन भी रही है, टूट भी रही है। बन कहां रही है बताओ, कहां बन रही है?
संख्या बढ़ कहाँ रही है? कितने रजिस्टर तुमने देख लिए जहाँ संख्या बढ़ती हुई देखी पुरानी गीता पाठशालाओं में से? बताओ, जहाँ प्योरिटी होगी वहाँ यूनिटी बनेगी, प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी नहीं बनेगी। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि भले बेसिक भाई एडवांस में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनरल सेवा जो है उसमें तो बढ़ रहे हैं संख्या है। हाँ, वो संख्या पॉम्प एंड शो की है, दिखावे की संख्या है। जो सेवा हो रही है वो बाहर के दिखावे की सेवा ज्यादा हो रही है, ये अंदरूनी सेवा ज्यादा हो रही है इंद्रियों को कंट्रोल करने की? घर गृहस्थ में रह करके इंद्रियों कंट्रोल की जा रही है या सन्यासी बनकर के इंद्रियां कंट्रोल की जा रही हैं? कौन से में ज्यादा ताकत है? घर गृहस्थ में रह करके। तो फिर यहाँ एडवांस में तो सारे ही घर गृहस्थ में रह करके राजयोग सीखने वाले। ब्रह्म कुमारियां सफेद साड़ियां पहन लेती हैं, उससे थोड़ा ही कोई राजयोग हो जाता है? पहले गृहस्थ में रह के दिखाओ, बाल बच्चों के साथ रहो परिवार में। बाबा तो कहते हैं जो गृहस्थी हैं वही गृहस्थियों को पाठ पढ़ा सकते हैं राजयोग का, जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो तो राजयोग का पाठ पढ़ा ही नहीं सकते। लोग जो हैं पंप एंड शो की तरफ जल्दी खींचे जाते हैं। बेसिक के ब्रह्मा कुमारी अपने माता पिता के घर पर आती जाती है। आती जाती है, उससे क्या होता है? एडवांस का कोई भी करना अपने माता के घर में आती जाती है। सरेंडर काहे के लिए करते हैं? आने जाने के लिए सरेंडर करते हैं, या इसलिए सरेंडर करते हैं कि हम कन्या को अपने घर में रख करके पवित्र नहीं रख पाएंगे या शादी करने लग पड़ेगी? बाहर गृहस्थ में रहकर वो बाप के साथ रहती है, वो गृहस्थी नहीं है, वो बेहद की गृहस्थी है। जिसके साथ रहती है वो गृहस्थी नहीं है क्या? अरे, वो बेहद की गृहस्थी है या नहीं है? तुम बाप के बच्चे नहीं हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार होगी नहीं? तो जब हाँ बाबा, तो फिर तो प्रजा वो उस गृहस्थी को तुमने कट कैसे कर दिया? उसे कट तो नहीं करना चाहिए कि हमारी गृहस्थी, हम जिस घर में रह रहे हैं देह देह के संबंधियों वाली गृहस्थी वही गृहस्थी है, और जो मुख से मुखवंशा वाली बच्चे पैदा हुए हैं उनकी गृहस्थी नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुई। बल्कि परिवर्तन मुखवंशा वालियों से होगा दुनिया का, देह देह के संबंधियों वाली गृहस्थी से परिवर्तन दुनिया का होने वाला है? हुआ नहीं है, 2500 तक हुआ ही नहीं कुछ भी। हाँ बोलो। जैसे कि अब लिखा गया एफिडेविट में माता पिता के लिए संबोधन जिनको किया गया, तो अब वो माता का तो हाल जो है सो तो है, अब क्या एफिडेविट में कैसे माता का क्या हाल है? माता का हाल क्या तुमने देखा? माता तो अपना तो वहाँ रह रही हैं। हाँ, जहाँ रह रही हैं, और लोग जो भगत लोग जो पूजा करते हैं और करते हैं जय माता दी और पिता दी को भूल जाते हैं, तो उसका कुछ कारण हुआ होगा। तो फिर हम उनको, अगर माता पिता हैं और उनकी ताकत का पता है, जो महाकाली है नंगी दिखाई जाती है, काली दिखाई जाती है, उसकी ताकत का पता है? अंत समय में ये दिखाई पड़ेगा कि उसमें जितनी प्योरिटी है उसमें किसी में प्योरिटी नहीं है। जब इंद्रिय जीत के कंट्रोल में रहेगी तो उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल में है, मन बुद्धि जो है तितर बितर नहीं हो सकती। इसलिए बोला है मुरली में, नैया डोलेगी लेकिन डूबे। वो कौन सी नैया है जिसके लिए गारंटी बोली हुई है? वो कौन सी नैया है, बताते क्यों नहीं? बतावे क्या हम खुद ही हिलने लग पड़ते हैं। वो नैया जब हिलती है डुलती है विषय सागर में, तो हमारी खुद प्राण निकलने लग पड़ते हैं। जिसको जिससे बात किया जाता है तो नहीं, हमारा कोई बाल बच्चा नहीं, हम किसी को मानते ही नहीं। किससे बात किया जाता है? वो तो अपने लिख कर भी दे दी है कि हमको कोई माता नहीं कहे। हाँ, तो क्या हुआ? बाबा ने तो कहा एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तुमको शिक्षा क्या दी गई है? रुक जाओ, तुमको शिक्षा क्या दी गई है? तुमको शिव बाबा ने मुरली में क्या शिक्षा दी है? फिर दुनिया में किसी का विश्वास नहीं करना, किसका विश्वास करना? एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। वो तो निमित्त बनी हुई है शक्तियां, काहे का विनाश के लिए, सब आसुरों का विनाश कर देंगे। जो आसुरी संस्कार वाले हैं बाप के ऊपर उंगली उठाएंगे, खुद वही कर्म करेंगे।
जो खुद ही मतलब अपने उंगली उठा रही है वो दूसरे को क्या रोक कर पाए? कौन उंगली उठा रही है? वही माता जो खुद ही यहाँ पर उंगली उठा कर कितना यहाँ से गई? किसके ऊपर उंगली उठा रही? बाप के ऊपर। बाप के ऊपर उंगली उठा रही, तुमने देखा? बाप उनकी उंगली को, बाप जो उंगली, बाप उस उंगली को स्वीकार कर रहा है? बाप तो नहीं स्वीकार। तो तुमको क्या दरकार पड़ गई? माँ बाप में लड़ाई हो रही है, माँ बाप को गाली दे रही है, बाप शांत बैठा हुआ है, तो इसका मतलब उन दोनों में कोई साठ गांठ होगी। तुम बीच में ऐसे ही पिस जाओगे। फालतू पिस रहे, दो पाटन के बीच में साबित बचाना को है? तुम काहे के लिए पिस रहे हो? तुमको कहाँ कहा कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये न मत मानो? वो तो मान ही रहे हैं। कहाँ मान ही रहे हैं, फिर तुम्हें अम्मा की क्या चिंता है? अम्मा क्या लिखित कौन दियो? तुमसे ये लिखवाया जा रहा है कि बाप जब कह रहा है कि ये माँ है तो तुम माँ मानो। माँ दो तरह की है, एक सुरुचि एक सुनीति। सुरुचि है अपनी रुचि पूर्वक चलने वाली, इसलिए जगदम्बा कही जाती है। जगदम्बा माने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब की अम्बा। तो जब उसमें सब विधर्मियों के अंश पड़े हुए होंगे तो वो वैसा पार्ट नहीं बजाएगी। और एक है भारत माता। तो भारत माता में और जगदम्बा में फर्क होगा या नहीं होगा? भारत माता लक्ष्मी बनती है, जगदम्बा लक्ष्मी नहीं बनती है, वो अपने लक्ष्य से च्युत हो गई। महालक्ष्मी बनती है ना? महालक्ष्मी बनती है। महालक्ष्मी के लिए गायन थोड़े ही है लक्ष्मी नारायण, महालक्ष्मी नारायण का नायन थोड़े ही है। बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है? जगदम्बा बनने का तो लक्ष्य नहीं दिया। जगदम्बा बनेगी, सारे विश्व को कंट्रोल करेगी, जब उठा के सबको पटकी लगा देगी, सारे धराशायी हो जाएंगे, मान जाएंगे क्या हमसे गलती हुई, हम असुर बन गए। उधर ब्रह्मा कुमारियों में भी अम्मा 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 करते करते ब्रह्मा ब्रह्मा करते करते मर गए। अब ये हैं एडवांस में बीज, ब्रह्मा कुमारियों के भी बीज, उनके भी बाप बैठे हुए हैं यहाँ। ये अम्मा अम्मा करते करते ऐसे ही अपनी जान गंवाए दे रहे हैं। अरे तुम्हें फॉलो किसको करना है? शिव बाबा को फॉलो करना है। किसके डायरेक्शन को फॉलो करना है? बाबा के डायरेक्शन में फॉलो करना है। कहाँ ही है, कहाँ है? शिव बाबा घोड़ा दिया, शिव बाबा घोड़ा दिया। कौन सी बात आती? बात कहाँ से आती? बाप की तरफ से आती है या भाइयों की तरफ से आती है? तो भाइयों की तरफ बात सुनते रहो, फिर तो व्यभिचारी ज्ञान हो गया। व्यभिचारी ज्ञान तो नहीं रहा। हाँ, लेकिन क्या बोला गया? कैसे फॉलो ब्रह्मा को करो और बाप का। हाँ, जो ब्रह्मा को फॉलो करो, किस ब्रह्मा की बात बताइए जिसको फॉलो करो और बात बाप की मानो? किस ब्रह्मा ने माँ का पक्का पार्ट 100% बजाया? दादा लेखा ने बनाया ना, बजाया ना। तो उसने जो चरित्र किए हैं वो सारे चरित्रों को फॉलो करो प्रैक्टिकल कर्मों में, बाकी डायरेक्शन मेरा मानो। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गुरु के कर्मों को फॉलो मत करो, गुरु जैसा करता है वैसा मत करो। क्या करो? गुरु जो कहता है सो करो। भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग का कुछ लिंक है या नहीं है? जो भक्ति मार्ग आज दुनिया में चल रहा है 2500 साल से, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? यही संगम युग में ही पड़ा ना। तो संगम युग में जो फाउंडेशन पड़ा है वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले भी कौन है? जय माता दी। कोई होंगे ना जी। फिर तो हम भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले रावण बनाइए, जरूरी है? उसकी तो अनेक मतें होती हैं, अनेक सिर होते हैं। राम को एक सिर होता है, एक ही बात कहेगा। एक मुख होगा तो एक बात कहेगा, दो मुख होंगे तो दो मुख ही बात करेगा। शंकर जी के बच्चे को 6 मुख हैं, षणमुख। कार्तिकेय को वो 6 तरह से बातें करता है। बोलो धनाधन, बोलो, टाइम कम है। अभी बाबा आप बोले हैं कैसेटों में कि एफिडेविट लिखे हैं बच्चों ने, ये बाप ने स्वीकार कहाँ किया है? कि बाप ऐसे ही स्वीकार कर लेगा? बाप जानते नहीं, सारे झूठे हैं दुनिया में।
दुनिया सारे बाप बताता नहीं कि सारी दुनिया झूठी है, एक ही सच्चा है जिसकी सत्यनारायण की कथा होती है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं होती, सब झूठे हैं। इनकी परीक्षा बिना लिए ऐसे ही उनको पास कर दिया जाए, इसीलिए लिखवाया है कि तुम कल को मुकर जाओ, ये हमारा बाप नहीं है, जैसे दशरथ पटेल मुकर गया। बाप मुकर गया कि हमारा बच्चा नहीं है? नहीं, बाप तो आप स्वीकार ही नहीं किया अभी बच्चा, किसी किसी कहीं कोई जो निश्चय पत्र है किसी पे साइन किए हैं? पहले परीक्षा दो, माँ काली आ रही है परीक्षा लेने के लिए, माया आ रही है परीक्षा लेने के लिए। मतलब ये हुआ कि बच्चा हम स्वीकार नहीं किए, बाप ने स्वीकार नहीं किया अभी। हाँ, बाप ने अभी स्वीकार नहीं किया, बाप देखेगा पहले परीक्षा लेकर के। नष्टो मोहा, सुनो, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की परीक्षा लेगा कि तुम आत्मा बने हो, देह तो नहीं समझ रहे अपन को। आत्मा में तो संबंध होते नहीं, आत्मा आत्मा, भाई भाई, बहन भी नहीं। कान मत खुजलाओ, अभी के मुरली तो खैर बुकुलतापन है, अभी तो मुरली तो आ रही है, लेकिन अभी तो सांप इधर है। एक मुरली आई जिसमें कहा, कह रहे किसने कह दिया कि शंकर में बाप प्रवेश करता है? नहीं, शंकर बाप ये नहीं प्रवेश, किसी ने पूछा बाबा आप में शिव बाबा आते हैं तो जवाब देना पड़ेगा। जब बाप का गुप्त पाठ चल रहा है तो बाप स्वीकार करेगा ब्रह्मा की तरह कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है? अरे बाप का गुप्त पाठ चल रहा है या प्रत्यक्ष पाठ चल रहा है? पांडव गुप्त होकर के घूमते हैं या प्रत्यक्ष घूमते हैं? जब बाप गुप्त है तो बच्चे भी गुप्त होने चाहिए। कोई ऐसे होते हैं कि अपने को पहले प्रत्यक्ष कर देंगे आगे, वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रत्यक्ष कर ही रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं त्रिमूर्ति के, दीदी दादियों के चित्र डाल देते हैं त्रिमूर्ति की जगह, ऊपर शिव और नीचे दीदी दादियां, हाँ यही त्रिमूर्ति हो गई। जब बाप का गुप्त पाठ है तो गुप्त ही पाठ बजाएगा, गुप्त बात गुप्त तरीके से बोलेगा या प्रत्यक्ष कह दे हाँ मेरे अंदर शिव बाबा आता है, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शंकर हूँ, ऐसा कहेगा? यहाँ इसे बोला है, क्या बोला है, कि जो तुम शिव शंकर कह देते हो, हाँ? बाप समझाते हैं मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, हाँ, तुमको यह किसने बताया कि शिव शंकर एक है? हाँ? शंकर को तो कभी गॉड फादर नहीं कहते, ठीक है, शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने। अब यहाँ शंकर में तो राम के भक्त, रहीम के बंदे, ये हैं सब आंखों के अंधे। राम और कृष्ण को अगर भगवान समझ लिया तो 63 जन्म का ही नहीं नाक रगड़ी आती दुनिया को सुधारने के लिए, पहले ही भगवान हो जाते। शिव बाबा आया तभी तो तुम्हारी बकत हुई। लेकिन ये कहते हैं कि प्रवेश है नहीं करते, कि कौन कहता है प्रवेश नहीं करते, लिखा है बोला है, कौन कहता है प्रवेश नहीं करते? मुरली और शिव बाबा बोले हैं सूक्ष्म बतन वासी वह परम धाम के वासी, हाँ? शिव के परम धाम के, शिव परम धाम का स्थान, दोनों का स्थान अलग अलग है, किसका? शिव का स्थान अलग है, शंकर का स्थान अलग, सूक्ष्म बतन माने मनन चिंतन मंथन की स्टेज, फिर एक नाम कैसे रख सकते है? वह निराकारी वह आकारी, हाँ वो निराकारी और वो आकारी, आकारी माने मनन चिंतन मंथन वाला, शिव तो मनन चिंतन सोचता है नहीं, शिव को सोचने की जरूरत है, मनन चिंतन मंथन करने की जरूरत है? फिर ऐसे थोड़े कहेंगे कि शंकर में शिव का प्रवेश है, इसके आगे बताओ, इसके आगे की बात पढ़ो। तुम शिव शंकर कह देते हो, हाँ, बत्ती मार्ग वाले बात समझाते हैं, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, हाँ? तुमको यह किसने बताया कि शिव शंकर है? हाँ, तो शंकर कब कहा जाएगा? शंकर कहा कब जाए? शंकर माना क्या? तीन आत्माएं जब इकट्ठी होकर के संस्कार एक मिला दें, एक कर दें, तभी तो कहा जाएगा। अभी तो एक संस्कार हुए नहीं, ब्रह्मा अपनी अलग ढपली बजा रहा है, वो कहता है साकार में गीता का भगवान मैं हूँ। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है पक्के पक्के, वो अलग कह रहे हैं कि नहीं, गीता का भगवान तो शिव शंकर भोलेनाथ है, और साकार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता।
मुख्य गुत्थी ही नहीं सुधर रही है। इसलिए त्रिमूर्ति में तीनों शेर हैं कि या तीनों अलग अलग कोई दूसरे हैं? तो बोला गया है बकरी है, तो जो जो बकरी है वो भी मिलकर के एक नहीं बन रही है। वो जिसके कंट्रोल में उन्हीं के कंट्रोल में है, जिसने कान पकड़ लिया उसी के होके रह गई। तो तीनों के संस्कार मिलकर के एक होंगे तभी तो शंकर कहा जाएगा। ब्रह्मा इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है, चार मुख दिखाए जाते हैं ब्रह्मा के, पांच मुख दिखाए जाते हैं ब्रह्मा के। ब्रह्मा विकारी है, ब्रह्मा में ही शिव प्रवेश करते हैं। शंकर को विकारी कहेंगे? नहीं, शंकर को लेकिन एक जगह तो बोला बाबा क्या कि शंकर पार्वती पर फिदा हुआ। फिदा हुआ, फिदा होने को जो अपनी अपनी युगल पर फिदा नहीं होगा और तुम्हारी युगल पर फिदा होगा। तो बिच्छू टिंडन पैदा हुआ, अगर बिच्छू टिंडन पैदा नहीं करेगा शंकर तो दुनिया का विनाश कैसे होगा? दुनिया का विनाश करने के लिए बिच्छू टिंडन पैदा करना जरूरी है कि नहीं है? तो बिच्छू टिंडन बच्चे ही बिच्छू टिंडन बन जाएगा तो कैसे बना? तो बन गए ना, अब देखो बने हुए बैठे हैं। तो ऐसे भारतवर्ष में ऐसा कोई बच्चा देखा जो बाप की नाक पकड़ता हो? तू ऐसा काम क्यों करता है? बांस के बच्चे तो बाप का ही नाक पकड़ रहे हैं। हाँ, तो ये इस बात में भी तो एडवांस है। देख लो। और तो उसका जवाब ये है कि यहाँ तो नौ धर्मों के बच्चे हैं, नौ धर्मों के बीज हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं होने चाहिए? अगर प्रत्यक्ष नहीं होंगे तो माला क्लियर कैसे होगी? नहीं तो कहेंगे हमको इस ग्रुप में क्यों डाल दिया। प्रैक्टिकल प्रूफ होना चाहिए ना, क्या है? हाँ, प्रैक्टिकल प्रूफ होना चाहिए, जो प्रूफ उनको दिखाया जाए। बिना प्रूफ और प्रमाण के धर्मराज ही सजा नहीं देगा। और सच तो बिठो नच, जो सच्चा होगा वो तो मैदान में बोलेगा, डरेगा नहीं किसी से। जो झूठे होंगे वो भागते फिरेंगे, सामने आके बात नहीं करेंगे, या तो फिर उल्टे उल्टे काम करेंगे मार पिटाई के, गाली गलौज के। बाबा मुरली में बोला गया है तीन संबंध है, लेकिन कैसेट में बोला गया है चार संबंध। हाँ, कैसेट में बोला गया है, मुरली में नहीं बोला, व्यक्तवाणी में नहीं बोला है कि साजन के संबंध में ये होना चाहिए, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, ये चार संबंध, चार गुण व्यक्त नहीं करते हैं? व्यक्तवाणी में नहीं मानते? फिर वफादार कौन से संबंध में बताया? वफादार को पहले बात बताओ, एक बात पूरी कर दो फिर अगली बात शुरू करो। वफादार कौन से संबंध में बताया? अरे कौन सा संबंध है जिसमें वफादारी बताइए? हाँ, साजन सजनी के संबंध में वफादारी चाहिए। औरत अगर वफादार नहीं है तो नरक बनाएगी। बाबा के पास पहुंच तो जाते हैं आराम से, बाबा हमें तो आपसे बहुत प्यार है, फिर अगर उसको निभाया नहीं तो क्या कहेंगे? बाबा एक ठो हाँ अव्यक्तवाणी में ही बताया गया है हाँ। जिस समय हाँ। वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उस समय स्वयं को बाबा मुरली में बोला गया है इसमें कि बिंदु को देखे वो तो जैसे इसमें बोला गया है व्यक्तवाणी में, अब सब बच्चे अपने आत्मा को समझ कर बैठो, सामने किसको देखो? आत्माएं के बाप को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या यह याद नहीं आता है? बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता है? ऐसे ही अभ्यास बढ़ाते जाओगे तो सेकंड क्या कितने घंटे इसी अवस्था में होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो? इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत नहीं रहे। ठीक है, बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है, जैसे बीज में सारा बीज समाया हुआ। लेकिन बोला गया है कि सिर्फ बिंदु को याद नहीं करना है।
ये बताया कि आत्मिक स्थिति में बैठना ये कोई खराब बात नहीं है। जहाँ बिंदु आत्मा की याद है वहाँ परमपिता परमात्मा तो है ही है, वो जुदा नहीं है बिंदु आत्मा से। जहाँ आत्मा बच्चा वहाँ बाप, बाप जो है वो बच्चों से अलग नहीं हो सकता। लेकिन इसमें बाबा बोला गया है कि किसके सामने, मतलब अब सब बच्चे सामने किसको देखो, किसको देखो, सामने जो कोई बैठा होगा उसी को देखेंगे ना। सामने अगर बाप बैठा हुआ है तो बाप में आत्मा, मैं अपन को आत्मा समझ करके उस बाप को ही आत्मा के रूप में देखेंगे ना। लेकिन बोला गया कैसेट में कि बिंदु को याद नहीं करना, बिंदु नहीं, सिर्फ बिंदु को याद नहीं करना, साकार और निराकार के मेल को जो है वो बाबा कहा जाता है। तुम्हें बाबा को याद करना है या बाप को याद करना है? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है शिव, मेरी आत्मा का नाम ही बिंदी है। इसमें बोला गया सामने किसको देखे, आत्माओं को बाप? हाँ, तो सामने जब उसके बैठेंगे, जब हम बुद्धि में समझेंगे कि हमारे सामने बाप रहता है, तो बाप कुछ करके जाता है ऐसे ही ब्रह्मा कीर्तन में आके चला जाता है। अरे जैसे और धर्म पिताएं आया राम गया राम चले गए और दुनिया नीचे गिरती गई, ऐसे ही ब्रह्मा कीर्तन में आता है और चला जाता है, कुछ करके नहीं जाता। तो करके जाता है तो साकार में करके जाएगा या बिंदी रूप में करके जाएगा, फुदू फुदू करके? फिर वो तो शिव हम बहनने वाली बात कर रहा है कि जो भी बैठो बिंदु आत्मा बन के बैठ जाओ, वो ही आत्मा शिव है। ठीक पा रहा था, जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंध की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है। हाँ जी। कोई रस रह गया है क्या? हाँ। कि जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है, चंचल होती है, जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करे तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? नहीं जाएगी। समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता? ठीक है। वह साधन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साधन बन का अतिंद्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में है में और समर्थि में लेने लाने वाला है वो अनुभव नहीं कर सकते है? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्या? यहाँ पर जैसे कि बाबा को बाबा सज, बाबा सजनी बनता है कभी? तो बाबा मासूका बनता है? तुम आशिक हो कि मासूक हो? लेकिन यहाँ पर तो बोला एक बात बताओ, तुम आशिक हो या मासूक हो? अरे चुप। शिव बाबा कहते हैं मैं तो साजन हूँ, मैं सजनी नहीं बनता हूँ, संगम युग में आता हूँ ना तो पुरुष तन में आता हूँ, मैं सजनी बन के नहीं आता हूँ। तुम सबका एक ही सलोना साजन है, तुम सब सीताएं हो। ये नहीं कहा कि तुम राम हो मैं सीता हूँ, तुम सब द्रौपदियां हो। लेकिन यहाँ तो दोनों संबंध बताए, तुम सब पार्वती। हाँ दोनों संबंध बताए तो तुम आत्मिक स्थिति में होके बैठो ना। बाप तो कहते हैं जो बच्चे आत्मिक स्थिति में होके बैठते नहीं, मैं उनको पढ़ाई नहीं पढ़ाता, मैं उनसे बात ही नहीं करता। तुम आत्मा आत्मा बन के बैठो ना, तुमको देवान क्यों आता है? वो तो ठीक है। हाँ तो ये समझो ना कि और जो 84 जन्म होते हैं उन 84 जन्मों में मैं आत्मा स्त्री और पुरुष दोनों रूप धारण करती हूँ। तो दोनों रूप जो धारण करती हूँ, मान लो किसी जन्म में मैं पुरुष रूप धारण किया तो जिस तन में मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश करता है वो हमारी सजनी भी बन सकता है। शूटिंग तो यहाँ करेंगे ना। एक ही आदमी के जिम्मा मत डाल दो तो दूसरे लोग भी बोलो, तब तक उन्हें देखना डायरी में। हमें तो बाबा मुरली दाई क्लियरिफिकेशन जो हो रहा था वही बहुत अच्छा लग रहा था। अब सबको साथ लेके चलना है ना जी। आपको अच्छा लग रहा था लेकिन परिवार में कुछ आत्माएं नीचे ऊपर हो रही हैं तो वो भी आपको अच्छा लग रहा है क्या? तो अब फिर बाबा के पास पहुँच जाना चाहिए, बाबा के पास ईमेल भेजना चाहिए, बाबा के पास लेटर भेजना चाहिए, बाबा को फ़ोन करना चाहिए कि यहाँ खरिया की गीता पाठशाला में ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ और
बाबा को जो बताया गया कि मैं पतियों का पति नहीं बनता, इसके लिए कोई अलग से बताया क्या? हाँ, कई वाणियां आई हैं। तो पतियों का पति नहीं बनता, मैं पतियों का पति हूँ, सजनियों की सजनी नहीं हूँ, ऐसे नहीं बोला। सजनियों की सजनी हूँ ऐसे की मुस्लिम बोला। लेकिन यहाँ बाबा बोले कि पति अच्छा नहीं, मैं पतियों तुम्हारे जो पति है ना, कन्याओं माताओं की तरफ इंट्रोड्यूस करके बोला। भाइयों के लिए भी साबित हो सकता है, भाई लोग हर जन्म में पुरुष ही बनते हैं, ये कोई जरूरी तो नहीं है। हाँ, तो जिन जन्मों में वो स्त्री बने हैं उनका जो पति होता है उनका भी पति हूँ। संगम युग में वो आत्मा है उनका भी पति बन जाता है। इस गहराई को तो पकड़ो, कहीं मुरली में ये बोला है कि मैं तुम्हारी मैं सजनियों का भी सजनी हूँ, ये बोला कहीं? ये तो नहीं बोला, सिर्फ ये बोला तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब का साधन एक आया हुआ है। ये बेहद की गृहस्थी है। मुरली में तो ये भी कहा है कि हम बाप टीचर और सदगुरु। हाँ, बाप टीचर सदगुरु और सजनी, तीन ही संबंध। अव्यक्त वाणी छोड़ देते हो, फिर लड़ाई लड़ने वाली पॉइंट पकड़ लेते हो, बाप से लड़ाई कौन कौन से पॉइंट से लड़ी जाए? ठीक है, लेकिन बोला था कि अव्यक्त वाणी तो वही है। कोई वाणी में ऐसा नहीं है कि मैं साधन नहीं हूँ। वो बोले कि नहीं, साधन कहना ये रॉन्ग है। साधन कहना ही रॉन्ग है जी, पतियों का पति कहना रॉन्ग है। बोले तो वो है नहीं है मुरली, वो रंग है। वो हम वो जब छाप करके जब दिल्ली भेजा था ना पॉइंट, तो एक एक पॉइंट को वहाँ चेक कर लिया गया। ये मोरेश्वर भाई की वो सर्च में से निकाला हुआ तुमने। वही बाबा तो अगर उस बात का मतलब कि जैसे कि वहाँ गलत निकाला है, गलत है तो सत्य जो है वो हम लोग मिलता था ना। जब 100 पॉइंट एक तरफ हो जाए और एक पॉइंट कहीं ढूंढ ढान करके कहीं ब्रह्मा कुमारियों ने कहीं छाप दिया हो और वो पॉइंट मिल जाए, तो एक को पकड़ना चाहिए या 100 को पकड़ना चाहिए? जब इसी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा मालूम कौन करेंगे? हंगामा वो करेंगे जो खुद पतित बनते हैं, खुद गंदे काम कर लेते हैं, फिर उनकी अवस्था खराब होती है, गुरुओं के चक्कर में आ जाते हैं। दूसरों की बातें सुनने के लिए कहीं मुरली में बोला है कि दूसरों की बातों में विश्वास कर लो? मुरली जब आवे बाबा तो कैसे अब कहा जाए? मुरली कहाँ आवे? मुरली जिसे तुम कहते हो मुरली है ही नहीं। मुरली तो सन 67 से पहले की मुरली है, 68 से पहले की मुरली है ही नहीं, वह बाद की मुरली है ही नहीं, वो तो सारा विकृत कर दिया, झूठी गीता हो गई। और जो ब्रह्मा कुमारियों लिख लिख करके छापी है उनमें भी उन्होंने कटिंग की है, 68 से पहले 4-4, 5-5 पेज मुरली चलती थी बाबा की, कट करके वो भी कट करके लिखी। हाँ, उसमें भी आधे वाक्य जो है उन्होंने कट करके लिखे और आधे अपने तरीके से जो बाबा बोलते थे जिस तरह की भाषा में, वो भाषा सबको समझ में नहीं आती बोलते समय। अभी भी बाबा की कैसे लगा के बैठ जाओ, कोई नहीं समझेगा, जो एक्सपर्ट होंगे वो ही बाबा की भाषा समझेंगे। हाँ, ये देखा गया, तो जैसे 10 को अभी तो कम से कम मिल रहा है मुरलियाँ, तो बाबा जो उसमें बोल रहे हैं कैस्टों में ब्रह्मा के समय की, तो वो भाषा जो है वो भाषा मुरलियों में नहीं है, ये बात है। खैर, उसमें सुधार करके लिखा हुआ है या जो भी या वो उसका मतलब कुछ लिखा हुआ है। सीधी सी बात है, जब गीता ही झूठी हो गई, द्वापर के आदि में फिर भी सच्चाई थी शास्त्रों में, बाद में शास्त्र भी तमोप्रधान हो गए, दुनिया की हर चीज सतो प्रधान से तमोप्रधान बनती है, तो गीता ही झूठी हो गई, फिर रह क्या गया? झूठे को सच्चा करने वाला चाहिए ना। बानी बाबा कैसर सुनने के लिए सब तैयार आते हैं, अच्छे हैं कैसर है? कैसर से बोला जाता है जो भी वाणी, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन हमारी चलन सुधरनी चाहिए या खाली कैसेट सुन करके
और बाबा ये कहते हैं कि अनेक धर्मों के अनेक बच्चे हैं, वो तो अपना अति करेंगे, हम इसी में अति करते रहे कि हम तो फलाने धर्म के हैं, वो फलाने धर्म के हैं, तो फलाने धर्म के फलाने ही धर्म के हो जाएंगे, तो फिर ऐसा ऐसा संकल्प करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। तो ये तो यहाँ होना चाहिए, एक संबंध बनना चाहिए, एक धर्म एक राज्य। कोई मना किया है? तुम एक गुरु को बनाओ, एक से पढ़ाई पढ़ो, एक ज्ञान सूर्य आता है, ज्ञान सूर्य ही हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है, चंद्रमा तो पढ़ाने वाला है नहीं, शुक्र तो पढ़ाने वाला है नहीं, बुद्ध तो पढ़ाने वाला है नहीं, असली पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? शुक्राचार्य? हाँ, उनकी एक आंख तो फूटी हुई है, एक तरफ से देखेंगे एक तरफ से नहीं देखेंगे। हाँ। तो कहने का मतलब है कि इसे जैसे कि वाणी शिव बाबा से ही पढ़ाई पढ़नी चाहिए ना जी, फिर दूसरों को गुरु क्यों बना लेना चाहिए? तो जब हम ये कहते हैं कि हम मतलब कि ये भाई इसे कर रहा है, तो ए भाई ऐसे कह रहा है, 500 करोड़ भाई तुम्हारे बनेंगे, लास्ट में सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी, बिना ब्राह्मण बने तो सदगति किसी की होने वाली नहीं है, तो सबकी बात सुनोगे बैठ करके, ये भाई ऐसे कह रहा है, वो भाई वैसे कह रहा है, वो कहेगा वो भाई ऐसे कह रहा है, वो भाई ऐसे कह रहा है, बातों में जाना है। बाबा की चलन हमारी सुधरनी चाहिए। चलन काहे से सुधरेगी? मुरली से ही सुधरेगी, बाबा की वाणी से मुरली चलन सुधरेगी, बाबा के संग के रंग से चलन सुधरेगी, ये अपने आप सुधर जाएगी। तो संग के रंग से सिर्फ ज्ञान के मुरलियों का हम चकचक करते रहे, उससे तो कोई फायदा नहीं होता ज्यादा। क्यों फायदा क्यों नहीं होता? मुरलियां अगर एक की ही सुनेंगे, दूसरे की बात हम नहीं सुनेंगे, तो असर क्यों नहीं पड़ेगा? ये तो श्रद्धा विश्वास की बात है। एक नारी है अपने पति से ही बतियाती है, दूसरी नारी है अपने पति की जगह दूसरे दूसरों दूसरों से भी बातें करने में मजा आता है उसको। कैस्ट्रो में तो कई जगह ऐसा आया है कि कहीं पर अभी बोले कुछ वहां पर कुछ जाकर के फिर कुछ परिवर्तन हो, वो तुम्हारी मूढ़मती है। जैसे ब्रह्मा कुमारी है समझती है, एक मुरली में बोला है बाबा ने लक्ष्मी नारायण समझदार है, दूसरी मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, बाबा की तो लहर है कुछ भी बोलता रहता है, ऐसे ही तुम्हारी अब मूढ़मती है। बताओ कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें दो तरह की बाबा में बातें की, बताओ अभी बताओ। बाबा के ऊपर उंगली उठाना एक बहुत बड़ा पाप बनता है, है। हाँ बताओ, है तो बताओ, तो बोलते क्यों भरी सभा में? भरी सभा में उतनी बात बोलो जो तुम्हारी सच्ची साबित हो जाए। बोला तो क्या है? क्या? हाँ बताओ। राम को दिखाते हैं एक मुख और रावण को दिखाते हैं 10 मुख, इसका मतलब क्या है? राम एक मुंह से एक ही बात करेगा हमेशा और रावण 10 मुख से 10 तरह की बातें करता है, तो उसकी प्रजा भी 10 तरह की बातें करेगी। और दूसरे लोग बोलो तब तक एक के ऊपर सारा प्रेशर डाल देते हैं। बाप उद्रेता बन गए हैं? बाप उद्रेता है। उद्रेता? उद्रेता बन गया उद्धव। उत्त माने ऊपर, धव माने भगा के ले जाने वाला, ऊपर ले जाने वाला, नीचे गिराने वाला नहीं। इसी ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं, बाप को ही शिकायत कर बैठते हैं कि बाप ऐसे है ऐसे है, तो वो नीचे जाएंगे, नीचे जा रहे हैं सदगुरु वृंदा ठौर न पाए, ठौर न पावे, तो उनको जो नई सत्य की दुनिया बनने वाली है उसमें ठौर मिलेगा नहीं मिलेगा। भक्ति मार्ग का तारीफ गुरु का निंदा नहीं करना चाहिए। हाँ? और ज्ञान में ज्ञान को बहुत बघार करने के बाद में गुरु का निंदा करना शुरू कर दिया। बता दिया ना कि 90% तो बच्चे चंद्रवंशी से लेकर के इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि सब हैं, तो दूसरे वंश के हैं और दूसरे वंश में कन्वर्ट होकर के रहे हैं, तो करेंगे नहीं वो यहाँ शूटिंग पीरियड में अपना पार्ट नहीं बजाएंगे? ये तो सोचने की बात है। बाप अभी बाप अभी गुप्त है ना, बाप प्रत्यक्ष तो नहीं है, बाप तो गुप्त पार्ट बजा रहा है, देख रहा है कि ये कैसा पार्ट बजाने वाले, इनको इनके मोहड़े तो प्रत्यक्ष कर दें, नहीं तो दुनिया ये कहेगी या खुद भी वो कहेंगे कि हमको इस माला के इस नंबर में क्यों डाल दिया, हमको दूसरी नंबर की माला में, 2 नंबर की माला में क्यों डाल दिया, 3 नंबर की माला में क्यों डाल दिया, हमको 4 नंबर की माला में क्यों डाल दिया, हमको 9 लाख की लिस्ट में क्यों डाल दिया। बाप तो गुप्त पर रखते तब तक पार्ट बजाएगा जब तक सारे नंबर क्लियर नहीं हो जाए, छुपा रुस्तम बाद में खुले, सबसे ज्यादा छुपा रुस्तम हीरो पार्टधारी होता है या कोई दूसरा होता है? हीरो पार्टधारी हो तो सबसे बाद में खुलेगा, खुलते हुए भी नहीं खुलेगा।
बच्चों को आगे बढ़ाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो कैसे तुम्हें ये बोला गया कि सीता मर्यादा पुरुषोत्तम है? सीता को मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता वाली आत्मा त्रेता में जाके राम बनेगी। राम बनेगी तो वो तो हिसाब लगा लो, हिसाब लगा लो ना, वो तो हिसाब है, लेकिन वो त्रेता में जाकर बनेगी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम तो होगी नहीं वहाँ। नहीं, यहाँ की बात है, इस समय वो शरीर से माता होती है शरीरधारी, आत्मा अभिमानी होती है माता या देह अभिमानी होती है? स्त्री में देह अहंकार ज्यादा होता है और पुरुषों में देह अहंकार उतना नहीं होता है, देह का होना इतना नहीं होता है पुरुषों में। तो जो स्त्री का पार्ट है वो देह के आधार पर पवित्र रहने का है, और जो पुरुष का पार्ट नारायण का पार्ट है वो बुद्धि के आधार पर पवित्र रहना है, क्योंकि वो रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला के मणके को मुंड पूजा जाता है, दड़ नहीं पूजा जाता है। बुद्धि पवित्र है, एक में बुद्धि लगेगी, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एकलव्य है वो। मर्यादा पुरुषोत्तम बुद्धि के आधार पर, एक है बुद्धि के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम, और एक है शरीर के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम। और स्त्री का शरीर के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम होना अच्छा भी है। स्त्री अगर अनेकों के संबंध में आ जाएगी शरीर के साथ तो उसका क्या हाल होगा? गीता में भी लिखा है स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं तो समाज बिगड़ जाता है। सीता के लिए बुलाया है तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ, सीता वाली आत्मा जो है वो शरीर के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसका शरीर और कोई टच नहीं कर सकता पति के रूप में। एक आत्मा 500 करोड़ की दुनिया में ऐसी होनी चाहिए। जब वैरायटी पत्तों का झाड़ है तो एक पत्ता ऐसा भी होना चाहिए जो जन्म जन्मांतर एक का बन करके रहे। जो भक्ति मार्ग में गायन है, जन्म जन्म लग लग रगर तुम्हारी हमारी वरों संपूर्ण तेरहों कुमारी, उसका किसी भी संकल्प में किसी भी संस्कार में औरों के साथ चित्त जाता ही नहीं। पूर्व जन्म में किसी के साथ गया होगा तो यहाँ भी जाएगा। अरे बाबा ने जब पान का बीड़ा रखा हुआ है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो कोई तो आत्मा 500 करोड़ में से ऐसी निकलेगी जो 100% एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो ब्रह्मावली तो थे, ब्रह्मा तो ये जितने धर्म वाले थे ब्रह्मा कुमार कुमारी उन सब के प्रभाव में आ गए, सबकी बातें मान लेते थे। अच्छा बच्चे तुम्हारे घर में ये झंझट है, तुम अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते, अच्छा शादी कर लो। कौन सी मुरली में कहा शादी कर लो, कौन सी मुरली में कहा गंधर्व विवाह कर लो। अच्छा बच्चे तुम घर में ये परेशानी वो परेशानी, घर घर बहुत टपकता है, ये परेशानी हो रही है, अच्छा नया घर बना लो, एक कमरा गीता पाठशाला के लिए खोल देना। बाबा ने कहा दुनिया बिना सामने खड़ा है तो गीता पाठशाला तो मकान बनाने प्रॉपर्टी बनाने की बात कहाँ से आ गई। मुरली में तो ये भी बोल दिया भल शादी करो, भल शादी करो, शादी करके ज्ञान में चलो। क्यों नहीं करें, भल माने ही गड़बड़ कर दिया। जहाँ जहाँ भल लगाया हुआ है वहाँ एक्यूरेट लक्ष्य नहीं दिया, भल को भाला समझो। मुरलियों में कहीं भी पॉइंट देख लो जहाँ भल लगा होगा वो खतरनाक चीज है। कोई ज्यादा ज्यादा हुज्जत करता है ना तो बोला जाता है अच्छा भल भल ऐसा कर लो, माना बोलने वाले की ये इच्छा नहीं है, लेकिन कोई ज्यादा घिस घिस करता है तो कहते अच्छा भल ऐसा कर लो, लेकिन ऐसा कर लेना। तो बहाव में क्यों आ जाते थे बाबा? अम्मा को तो बच्चे भी बरगला रहे हैं आज दुनिया में। बाप मर जाता है तो अम्मा मुट्ठी में कर लेते हैं, कृष्ण का नैया अम्मा का पति बन के बैठ जाता है कसम बन के। कहाँ सन पाठ बजा, वो तो कह रहे हैं हम गुप्त हैं। बाप तो ब्रह्मा बाबा के समय तो ब्रह्मा बाबा ने तो वैसे ही मार दिया उसको, ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रख दिया, बाप का नाम ही खत्म कर दिया। अगर उनको बाप की याद होती तो प्रजापिता शब्द पहले से ही लगाते। उनके मुख से जो वाणियां, लेकिन ये भी तो कहा है वाणियों में कि ये ब्रह्मा इंटरफेयर करके बीच में बोलता है,
तो इंटरफेयर करके बोलता है, फिर भी जो है उस बात को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। कौन कौन स्वीकार कर लेता है? क्योंकि मेरा रथ है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो मैं सुधार दूंगा। तुम ऐसे ही समझो, ये शिव बाबा ही बोलते हैं, ब्रह्मा के ऊपर अनिश्चय पैदा मत करो। हाँ, ये जरूर कहा है कि ब्रह्मा के मुख से डायरेक्ट सुनते हो तो फर्स्ट क्लास वाणी मिलती है तुमको, टैप रिकॉर्ड से सुनते हो तो सेकंड क्लास मिलती है। उस समय टीवी नहीं था, नहीं तो बोल देते कि टीवी भी सुनते हो तो सेकंड क्लास हो गया, क्योंकि उसमें हाव भाव भी मिल जाते हैं टीवी में, और कागज के पत्ते पर अपन सुनते हो तो थर्ड क्लास वाणी है। तो तुम कहाँ पहुँच गए अब? थर्ड क्लास में पहुँच गए। ये क्या कोई बात हुई? फर्स्ट क्लास नहीं मिल रही होगी तभी थर्ड क्लास में पहुंच जाएगा। व्यक्तवाणी पढ़ेगी तो? हाँ, व्यक्तवाणी तो भगवान की वाणी है ही नहीं, वो तो ब्रह्मा की वाणी है, वो तो शिव बाबा की वाणी नहीं है। ब्रह्मा की सोल जो है देवता है, देवता वाली आत्मा जो है वो क्या सिखाएगी? वो धारणा के पॉइंट सुनाएगी या ज्ञान के पॉइंट सुनाएगी? धारणा के पॉइंट सुनाती है। धारणा करने वाले तो आज के साधु संन्यासी बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जो ब्रह्मा कुमारियों के मुकाबले बहुत धारणावान है। ब्रह्मा कुमारियाँ तो हत्याएं कर रही हैं, जला देती हैं जिंदा। हाँ, भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में जरूर जलाया गया होगा। अभी नहीं जलाया जाता है, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा आगे चल के आएगा कि हाँ, कि देवियों का शासन चलेगा, जैसे ब्रह्मा कुमारियों का शासन चल रहा है अभी छोटे रूप में, ऐसे आगे शासन चलेगा जगदम्बा का सारे जगत के ऊपर, और जय माता दी सारी दुनिया में हो जाएगी, और अंत में छुपा रुस्तम बाप फिर खुलेगा, फिर डूबी जा हो जाएगी, जैसे ब्रह्मा कुमारियों की डूबी जा एडवांस पार्टी वालों ने कर दी। सीढ़ी के चित्र में सीढ़ी के चित्र में चित्र बनावल है ना, मूर्ति के डूब जा वही लागू हो गए ना बाबा? क्यों नहीं होगा? वो एडवांस पार्टी में वो बातें लागू नहीं होंगी जो बेसिक में होती रही? बेसिक में जो बातें जड़ों के ऊपर आधार मूर्ति के ऊपर लागू होती रही, वो बातें बीज रूप आत्माओं के ऊपर लागू नहीं होंगी। एक तो गीता पाठशालाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे कोने कोने में पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ तो गीता पाठशाला नहीं है बाबा। अच्छा, चलो पांडव भवन है, ये गीता पाठ, ये शक्तियाँ कहाँ से बैठी हुई हैं? पांडव भवन में तो शक्तियों को आना ही नहीं चाहिए। अगर बैलवाड़ा में गाय घुस जाएगी तो क्या हाल होगा? नियम बनाओ, अगर शक्ति भवन बनाया है तो शक्तियाँ इकट्ठी हो, पांडव भवन बनाया है तो पांडव इकट्ठे हो। अगर दोनों के इकट्ठा चलाना है प्रवृत्ति मार्ग बना के, तो गीता पाठशाला बनाओ, घरग्रस्त को अपने ही घरग्रस्त लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना दो, भाई लोग भी आए, कन्याएं माताएं भी आए। लेकिन जहाँ कर्ता धर्ता पुरुष होते हैं वो अपनी चलाते हैं, यहाँ कोई युगल नहीं चल रहा है ज्ञान में, है? हाँ, तो उनको निमित्त नहीं बना सकते। हाँ, रहे तो फिर क्यों कहते हो कि गीता पाठशाला नहीं है? किसने कह दिया? जब यहाँ कोई युगल निमित्त है, युगल को निमित्त बना के चल रहे हैं, तो युगल ही लक्ष्मी नारायण जैसा हो गया। अकेली माता नहीं सेंटर चला सकते हैं। अकेली माता अगर विधवा है और पावरफुल है और अगर हिम्मत से चलाएगी तो? वो हिम्मत होती नहीं माताओं, माताएं तो सब आदीन हुई पड़ी हैं। लड़का लोग के हिम्मत? लड़के तो माता के ऊपर और ही खसम बन के बैठे हुए हैं, सारी दुनिया में देख लो। जैसे कृष्ण के लिए बोला हुआ है, कृष्ण गीता का भगवान बन के बैठ जाता है, तो जब पहला ही पत्ता ऐसा बन के बैठ जाता है तो दूसरों का क्या हाल होगा? आज क्या घर घर में देख नहीं रहे माताओं की क्या हालत है? पति अगर कहीं विदेश में चला गया है या खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दिया, तो बच्चे क्या करते हैं? माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं या उसके कंट्रोल में चलते हैं?
क्या हो रहा है घर घर में, बच्चे हावी हो जाते, हावी हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी मदन हैं जो हावी नहीं होते हैं। ऐसे कोई नहीं है, आज की दुनिया में अगर हैं भी तो आगे चल के वो भी खत्म हो जाएंगे। भाकी पढ़ना माने क्या होता है? गले लगाना। ब्रह्मा बाबा के भाकी का चित्र आर्य समाज ने ले लिया था, अखबारों में दे दिया, कोई कन्या के साथ भाकी पहन रहे थे, बस वो हल्ला शुरू हो गया सिंध हैदराबाद में। हाँ जी, बाबा ने कहा ऐसा फिर भी होगा, जो बेसिक में होगा वो एडवांस में जरूर होगा, हो हल्ला मचेगा। क्योंकि दुनिया में हर जगह तमो प्रधानता नहीं बढ़ती है, बेसिक की यज्ञ में तमो प्रधानता हो सकती है तो एडवांस की यज्ञ में तमो प्रधानता नहीं हो सकती। बेसिक एडवांस में डिफरेंस क्या रह गया? डिफरेंस यही रह गया कि जो बीज एडवांस भी वही काम। नहीं, जो बेसिक में चल रहा है वो वहाँ भगवान का रूप नहीं है, और यहाँ तो सर्वशक्तिवान है, वो ऐसा होने नहीं देगा, फिर भी नीचे दिखा देगा। क्या बोला है जगह बाबा? कि सत्संग तारे कुसंग बोले। हाँ जी, सत्संग है राम का। हाँ, राम वो नहीं जिसकी सीता चोरी हो गई। ठीक है, तो राम किसे कहा जाए? तो सीता चोरी हुई तो राम उसमें प्रवेश है, वो है राम जी। लेकिन वो राम और उसकी तो सब सीताएं हैं, कोई एक सीता है क्या? सीता जो सीता चोरी हो गई वो तो फिर भी पुष्करणी ब्राह्मण है, उसको तो फिर भी कन्या माताओं ने, दिल्ली कन्या माताओं ने धक्का दे दे के आगे बढ़ाया, तो सरेंडर हो गई। सीताएं तो बहुत है ना उस राम की। उस राम की तुम क्या राम को ही राम के रूप में देखते हो? यहाँ तो ये कह रहा है ना कि उस राम को नहीं सत्संग कहेंगे, उस राम को नहीं कहेंगे, कुसंग हो जाएगा। तो किस राम की सीता बनी है? जो सीताएं बैठी हुई है, तुम सब सीताएं हो, वो कौन से राम की सीताएं हैं? जो त्रेता वाले हैं, त्रेता वाले राम की सीताएं बन के बैठी हैं, तो शिव की नहीं बैठी हुई है। निराकार राम जो उसमें प्रवेश है उसकी सीताएं नहीं है। चोरी जो हुई, हाँ, तो इसे बुलाए कि तो चोरी तो उसकी हो। चोरी तो उसकी होगी जो देह अभिमानी होगा 63 जन्म का। शिव 63 जन्म देह अभिमानी बन के बैठता है क्या? तो फिर कोई राम तो है जिसका सीता चोरी होगी। हाँ, तो वही जो वही कृष्ण जो कंस बनता है, वही राम जो रावण बनता है, उसी की सीता चोरी होती है। तो ये समझने वाले जो भगत हैं वो रामकृष्ण को क्यों पकड़ लेते हैं? उनकी बुद्धि में शिव क्यों नहीं रहता कि करता रहता शिव है, शिव की सोल सारा कार्य कर रही है, करा रही है, और रामकृष्ण को क्यों पकड़ लेते हैं? रामकृष्ण को पकड़ लेते हैं माना उनकी बुद्धि में वो रामकृष्ण की आत्मा याद आती रहती। मुरली में तो बोला नहीं है शंकर को याद करो। लेकिन जहाँ पाठ जब होता है तो उसमें तो ध्यान जाएगा ना बाबा की तो शरीर ध्यान होने का जाएगा, लेकिन याद तो धीरे काट भगवान को ना करना। हाँ, निराकारी स्टेज वाला उसी को बाबा को देख रहे हैं, सिर्फ निराकार को देख रहे हैं, निराकारी स्टेज वाले को देखो। नहीं, जिस बात को निराकारी स्टेज वाले को, तो निराकारी स्टेज किसकी होगी? निराकारी स्टेज निराकार की होगी या साकार की होगी? सीता चोरी तो हुई किसी की? सीता चोरी उसी की होगी जिसने दूसरों की चोरी की होगी। शिव की शिव ऐसा कोई काम करता नहीं है जो उसकी सीता चोरी जाए। वो तो सीता को उनकी तो चोरी हो ही नहीं सकती। तो उसकी चीज हो नहीं सकती है, तो कोई है। तो वो कोई अव्वल नंबर सीता होगी ना फिर? नहीं, ऐसे बोला गया कि सीताएं सारी सीताएं जो है रावण की कैद में है, तो रावण की कैद में सभी चोरी हो गई, तो सब चोरी हुई पड़ी है, ऐसी एक भी सीता नहीं है जो चोरी न हुई पड़ी हो। लेकिन वो पर्सनल राम वो चाहे वैष्णवी देवी क्यों ना हो, वो भी इस समय चोरी हुई पड़ी है। तो तुम क्या समझते हो? लेकिन वो कोई पर्सनल नाम जरूर है जिसकी सीता चोरी। वो तो तुम देवानी हो, तो एक के ऊपर देहदारी के ऊपर दृष्टि रखते हो, लेकिन तुम्हें दृष्टि रखनी चाहिए शिव बाबा के ऊपर। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम्हें काहे के लिए ये माता वो माता, ये माता ने ऐसे लिख के दिया, वो माता ने ऐसे लिख के, यही बुद्धि में क्यों आता है? होता है कि बाबा कहते नल के स्वतंत्रता के सिखाया नल के ऊपर नहीं बैठना। नलके पर नहीं बैठने की बात सिखाई थी, लेकिन नले पर बैठ करके वो अपना पढ़ रहा है। तो यहाँ भी लोग आते हैं कि हम तो एक निराकार को ही देखते हैं। तो निराकारी स्टेज वाले मात्र होता है। तो एक में दो है ना,
ये जो वेदों में पहला श्लोक आया है उसमें बताया गया है कि ये शरीर, ये संसार रूपी वृक्ष है जिसमें दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक है भोक्ता और एक है अभोक्ता। समानम वृक्षम अभिशस्व जाते, ये जो श्लोक आया है वो श्लोक ये बताता है कि उस वृक्ष पर, उस शरीर रूपी देह पर दो आत्माएं बैठी हुई हैं, एक भोक्ता है एक अभोक्ता है। तो किसको देखना है? देखना तो उसी को देखना है, देहधारी को दिखाई देगा ही। देखा जो हम देखते हुए नहीं देखना, उसको देखेंगे तो उसके 63 जन्म याद आएंगे, 63 जन्म में तो उसने बहुत मारा मारी की है। शिव शंकर हैं तो दो दो आत्माएं, लेकिन बोला है कहीं कि शिव बाबा को याद मत करो, शंकर बाबा को याद करो, शंकर ताऊ को याद करो। या ब्रह्मा के तन में भी जब आए तब कहीं बोला कि ब्रह्मा को याद करो, शिव बाबा को याद नहीं करो? ब्रह्मा को फॉलो करो, शिव बाबा को याद करो। टाइम होने जा रहा है ना माता है, बहुत सी है जो बंधन है ना, दूर 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 बोली थी कि जब यहाँ आएंगे या पटना आएंगे तो जरूर हम लोग को बुलाना। पटना, पटना में कोई गीता पाठशाला है क्या? नहीं, पटना में तो कोई गीता पाठशाला नहीं है। बोले थे कि इधर आएंगे ना, बिहार वालों की राजधानी ऐसी है जिसकी पटती नहीं, बिहार की अलग है। तो पुत्रों ने पटा ली तो भी तो उल्टी बात हो गई, पुत्रों ने पटा ली, बाबा के बच्चे होंगे वो। हाँ तो वो बाबा के बच्चे ऐसे ही नहीं, कृष्ण गीता का भगवान बारे बच्चे अगर अम्मा को पटा लें और बाप को निकाल लें कान पकड़ के तो गीता का भगवान वाली बात हो गई ना। भीबरा मेरा भाई है बाबा है? वो कहता है ना कि मेरे घर में सेंटर खोलो, वो खोल सकते हैं बाबा? किसी के घर में सेंटर खोलोगे तो उसके अंडर में रहना पड़ेगा। वो अपने घर का रजिस्ट्रेशन आपके नाम करने वाला है? लिखा पढ़ी ना होगा, जब तक रहेंगे तब तक खोलने। तो फिर वो अपना जबरदस्ती चलाएगा? कभी कोई उल्टा पलटा काम कर देगा तो किसको पकड़ेंगे? वो कहेंगे हम तो अपने घर में बैठे, हमारे ऊपर कोई पाप नहीं बनता। अपने घर का हर आदमी राजा होता है, हमारे घर में जो चीज़ है वो सब हमारी है, जो कन्याएं माताएं आके बैठती हैं वो सब हमारी है, हम किसी को बुलाने नहीं गए, तब क्या करोगे? नहीं बाबा, हम उस पर जिम्मेवारी लेंगे। क्या जिम्मेवारी लेंगे? फंसना नहीं चक्कर में। उनसे पहले रजिस्ट्रेशन करा लो मकान का। मकान का कि रूम का? पूरा मकान तो देंगे नहीं। हाँ, पूरा मकान थोड़ी देंगे। एक रूम में गीता पाठशाला चलती है क्या? मकान नहीं। हाँ तो बाल बच्चे संभाल सकेंगे एक रूम में? अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है तो वो तो परिवार है, गृहस्थी है। और देने को क्या हुआ? देने को देने वाले दे रहे हैं, पूरे तीन तीन चार चार पांच पांच मंजिल के मिनी मधुन कैसे बन गए? वो कोर्ट स्टाम्प पर पेपर पर लिख के देते हैं तब भी तो हुद्दा जमाना चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए। हम लोग मुरली कैसे सुनेंगे बाबा, जगह कहीं तो एक रूम चाहिए ना। आप अपने घर में ही बैठ करके आप अपने अपना काम करो। आपको युगल नहीं है? हाँ बाबा, तो नफरत करते हैं। तो गीता पाठशाला कैसे चलेगी? ऐसे दो लड़का है वो सहयोग देता है, वो नहीं चलता। खरिया गीता पाठशाला को एडवांस में जमे हुए कितने साल हुए? कितने साल से क्लास चल रहा है यहाँ? 98 से। 98 का मतलब 4 और 7 11, 9 10 साल हो गए।
तो 9-10 साल में अब पहली बार तो आना हुआ है, इतना कोने में बना हुआ है, कंपिल से भी ज्यादा कोना हो गया। नहीं बाबा, कोना थोड़ी है, और क्या 8 किलोमीटर हवाई अड्डा से जो नहीं जानता है उसके लिए तो कोना ही हो गया। जब तक आपको नहीं बुलाया जाएगा वो यहाँ आ ही नहीं पाएगा। सही ढंग से किसी भी भाई जब पूछते हैं तो बताते नहीं, जैसे विजय भाई जब पूछ दिया तो विजय भाई बोले कि ऐसे रास्ता है, ऐसे रास्ता है, तो सही ढंग से बताया नहीं गया सीधा रास्ता है। अरे अभी तो ये हाल है कि 4-4 साल से ऐसी ऐसी गीता पाठशालाएं पड़ी हुई हैं कि भट्ठी कर ली, उन्होंने देखा ही नहीं। जी भट्ठी कर ली, गीता पाठशाला खोल के बैठे हुए हैं, गीता पाठशाला चला रहे हैं और 2-2, 3-3 महीने में पार्टी भी ला रहे हैं। बाबा से मुलाकात नहीं हो पा रही। अच्छा टाइम तो हो गया, चलो ऐसा ही रूम में टेपरे कार्ड लगा के सुन सकते हैं, टेपरे कार्ड से ऐसा ही बाबा की मुरली सुन सकते हैं। मुरली सुनना क्या, तुम बैठ करके देखो घर में, हाँ घर में देखो भाई। मुरली रोज नहीं सुनोगे, नहीं देखोगे तो कोई ना कोई बुद्धि खराब कर देगा आगे चल के।